एक बार की बात है, एक मकान में बहुत सारे चूहे रहते थे और वे आज़ादी से इधर उधर पूरे घर में घूमते थे। घर के सामान का बहुत नुकसान भी करते थे, कभी किताबें कुतर देते, कभी कपड़े कुतर देते, कभी खाना जूठा कर देते। चूहों से घर को आज़ाद कराने के लिए उस घर के मालिक ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के घर में आते ही चूहों की तो हालत खराब हो गई। अब वे आज़ादी से इधर उधर घूम नहीं पा रहे थे, हर समय डर के मारे बिल में ही दुबके बैठे रहते। बिल्ली ने तो चूहों का जीना हराम कर रखा था। जैसे ही कोई चूहा बिल से बाहर निकलने की कोशिश भी करता तो उसे बिल्ली दिख जाती और वो वापस बिल में घुस जाता। इस तरह से परेशान होकर चूहों के सरदार ने एक सभा की और सब चूहों से कहा, हमें जल्दी से जल्दी इस बिल्ली का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हम सब भूखों मर जाएंगे या फिर वह बिल्ली हम सबको मार देगी। इस पर चूहों ने कहा, वो सब तो ठीक है मालिक, पर करें तो करें क्या। तभी उनमें से एक चूहा बोला, एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, फिर जैसे ही वो बिल्ली हमारी तरफ आएगी हम सब चौकन्ने होकर वहां से भाग जाएंगे। बाकी चूहों को उस चूहे की बात बहुत पसंद आई, बोले हाँ हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। तभी वहां उपस्थित एक बूढ़ा चूहा बोला, आइडिया तो अच्छा है, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत करेगा कौन। उसकी बात सुनकर सब चूहों के सिर झुक गए और सभा में सन्नाटा छा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जो कार्य बिल्कुल असंभव हो उसकी चर्चा करके समय नष्ट करना बेवकूफ़ी है।